भी ज्योति, तो मैं हूँ ज्योति और आज के वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कुछ कुर्ता सेट एंड स्वेटर्स हॉल। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। एंड गाइस, यहाँ पर मैंने जितने भी प्रोडक्ट लिए हुए ये सारे लिए हुए मैंने अमेज़न से, एंड इन सबका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कॉमेंट कर दीजिएगा एंड मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है स्टाइल गेम भी ज्योति, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले है ये बेबी पिंक कलर का कुर्ता, कुछ इस तरीके का ये है कॉटन मटेरियल में। साइज मैंने जो लिया हुआ है इसमें मैंने लिया हुआ है मीडियम साइज, एंड यहाँ पर आपको मिल जाएगी ये 3/4 स्लीव्स कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड इसके स्लीव्स पे ना यहाँ पर आपको कुछ सिल्वर गोटा पट्टी की यहाँ पर पट्टियाँ लगाई गई हैं। नेक आपको आगे यहाँ पर कुछ ऐसा मिल जाएगा, बैक में सिंपल राउंड नेक है। लेंथ पूरी इसकी जो है एंकल लेंथ है, स्ट्रेट कुर्ती है। एंड नीचे भी आपको यहाँ पर 3 गोटा की लाइनें मिल जाएंगी। क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा है, तो आप इसे नॉर्मल किसी भी कैजुअल वेयर में भी पहन सकते हो। एंड ये ना पूरा का पूरा जो है प्रिंट हो रखा है यहाँ पर, थोड़ा सा शिमर टाइप का प्रिंट है सिल्वर में, ये आप देख सकते हो। तो मे भी ये धुलने के बाद में निकल जाए, ऐसा लग तो नहीं रहा है, बट शायद निकल जाए। तो आप बहुत ज़्यादा इसे बहुत देर तक दिख करके ना रखो, थोड़ी देर ही रख के निकाल लो तो ज़्यादा अच्छा है, फिर आप ड्राई क्लीन भी करवा सकते हो। क्वालिटी वाइज मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, मुझे स्पेशली इसका जो कलर है ना वो बहुत अच्छा लगा। इसका जो कलर थोड़ा सा पर्पल शेड में आ रहा है ना वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड इसके साथ में है ये प्लाजो, तो प्लाजो जो है इसमें प्रिंटेड दिया गया है कुछ इस तरीके का। एंड यहाँ पर आपको मिल जाएगी इलास्टिक, एंड इसमें यहाँ पर नीचे ना आपको थोड़ा इतना ज़्यादा फ्लेयर मिलेगा। फ्लेयर में यहाँ पर 3 पट्टियाँ लगाई हैं गोटा पट्टी की, एंड इसमें सेम प्रिंट बना हुआ है बट इसमें छोटी छोटी बूटियाँ बनी हुई हैं। सेम ये भी कॉटन मटेरियल का है, एंड क्वालिटी वाइज मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसका प्राइस जो है आई थिंक 650 रुपये है, तो 650 रुपये में ये पूरा सेट जो है, ये कुर्ती प्लाजो एंड दुपट्टे का सेट है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि इतने प्राइस में आराम से आपको सूट की स्टिचिंग वगैरह ही पड़ जाती है। बट बाकी क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा लगा, लेंथ वाइज भी काफ़ी बढ़िया है। साथ में है इसके दुपट्टा, दुपट्टे में मुझे एक चीज़ ये लगा कि हाँ कॉटन की जगह अगर शिफॉन का दुपट्टा होता तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि इसका दुपट्टा जो है वो प्योर कॉटन का है कुछ इस तरीके का। इसके दुपट्टे की पूरी किनारी पे यहाँ पर गोटा की यहाँ पर पट्टियाँ लगाई गई हैं, सेम यहाँ पर नीचे भी किया गया है इस तरीके से। तो यहाँ पर 2 लगाई गई हैं एंड बाकी इधर एक एक करके लगाई गई। तो इसकी जो लेंथ है वो आप देख सकते हो, ये टोटल 2 मीटर का दुपट्टा है। एंड विड्थ वाइज भी काफ़ी अच्छा है, पूरी 1 मीटर की विड्थ है इसकी। तो इसमें मुझे बस एक ही चीज़ लगी कि अगर इसके साथ में ना शिफॉन का दुपट्टा दिया होता तो और ज़्यादा अच्छा लगता है ये, क्योंकि कॉटन का दुपट्टा थोड़ा सा कम अच्छा लगता है मुझे, ये मेरी पर्सनल चॉइस है, बाकी आप अपना देख सकते हो। एंड क्वालिटी वाइज सुपर्ब है, अगर आप इसे लेना चाहें तो ले सकते हैं कैजुअल वेयर में पहनने के लिए। नेक्स्ट जो है वो अगेन एक ग्रीन कलर का सूट है, बिल्कुल कॉटन मटेरियल में है कुछ इस तरीके का। एंड ये ना पूरा प्लेन सूट है, इसमें कुछ भी इतना ज़्यादा वो नहीं रखा है। आगे सिर्फ यहाँ पर आपको मिल जाएगी ये पोटली बटन कुछ इस तरीके की, ये आप देख सकते हो यहाँ पर पोटली बटन की डिज़ाइन दी गई है। एंड यहाँ पर आपको 3/4 स्लीव्स मिलेगी, स्लीव्स पर यहाँ पर 2 गोल्डन पट्टियाँ लगाई गई हैं। एंड बाकी इसकी जो लेंथ है ये पूरी एंकल लेंथ मिल जाएगी। साइज़ जो मैंने लिया हुआ है वो मैंने मीडियम लिया हुआ है, यहाँ पर जितने भी आउटफिट लिए हुए ना ये सारे मैंने मीडियम लिए हुए, से पहले जो मैंने आपको सूट दिखाया उस पर भी मैंने मीडियम साइज़ ही लिया हुआ है। एंड क्वालिटी इसकी जो है ना वो कॉटन थोड़ा जो खाती है टाइप का कॉटन होता है ना वो कॉटन है। एंड इसको आप नॉर्मल ऐसे कैजुअल वेयर में भी पहन सकते हो, एंड अभी समर्स आ रहे हैं तो आप उसमें भी इसे ट्राई कर सकते हो। कलर जो इसका है ना वो थोड़ा सा बॉटल ग्रीन है, इसका कलर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है एक्चुअली। एंड इसके साथ में है ये प्लाजो पैंट जो कि है कुछ इस तरीके का। पैंट का फैब्रिक भी सेम है, एंड इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ इतना फ्लेयर दिया हुआ है, स्ट्रेट फिट प्लाजो है। यहाँ पर भी आपको 2 गोल्डन पट्टियाँ मिल जाएंगी इस तरीके से, एंड यहाँ पर लेंथ वाइज काफ़ी अच्छा है। एंड क्वालिटी भी मतलब इतना बहुत हल्का सा जब पैंट होता है ना तो अच्छा नहीं लगता, बट इसकी उतना ज़्यादा हल्का नहीं है ये, समर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। इसके साथ में है अगेन ये कॉटन का दुपट्टा, ये आप देख सकते हो। एंड इसमें ना कुछ पूरे में इस तरीके से प्रिंट हो रखे हैं,
तो ये सेल्फ प्रिंट है एंड दुपट्टे की लेंथ जो है वो पूरी 2 मीटर की है। नीचे यहाँ पर पट्टियों से है, बीच बीच में इस तरीके की बूटियां बनी हुई है। तो इसमें आपको नॉर्मल अगर कैजुअल वेयर में पहनना है ना तो आराम से इस तरीके के सूट ले सकते हो। इवन आप इसे किसी भी मेहंदी फंक्शन वगैरह में भी ट्राई कर सकते हो। सो गाइस, नेक्स्ट मैंने लिया हुआ है वो मैंने लिया हुआ है एक स्लीवलेस कुर्ती। ये कुछ इस तरीके से है, ये पूरी ना जिगजैग पैटर्न पे बनी हुई है। एंड ये जो है मैंने साइज लिया हुआ है मीडियम। एंड आगे यहाँ पर आपको मिल जाएगी स्क्वायर नेक। एंड पूरे नेक में यहाँ पर ना वो क्वाइंस होते हैं ना, कुछ वैसा क्वाइंस लगा हुआ है यहाँ पर। इसके अंदर आपको कोई स्लीव्स नहीं मिलती है तो ये पूरा आपको स्लीवलेस ही पहनना पड़ेगा। एंड ये ना थोड़ा सा जैसे बॉडी अलग से जोड़ी गई है, कुछ वैसे पैटर्न में बना हुआ है। तो यहाँ से इसके ऊपर का हिस्सा जोड़ा हुआ है, नीचे से यहाँ पर अलग से है। तो आप इसे जीन्स वगैरह के साथ में या फिर प्लाजो के साथ में पहनो ना, काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड यहाँ पर साइड में आपको मिल जाएगी यहाँ पर डोरियाँ। तो यहाँ पर कुछ लूप्स बना के इस तरीके से डिजाइंस दी गई हैं। एंड इसमें यहाँ पर टेसल्स लगा दिए गए हैं। एंड इसका मटेरियल जो है वो है प्योर कॉटन में। एंड इसकी क्वालिटी वगैरह मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो समर्स में आप इस तरीके की कुर्तियों को ट्राई कर सकते हो, जीन्स के साथ में, पैंट के साथ में, प्लाजोज के साथ में, काफ़ी अच्छे लगते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट मैंने लिया हुआ है एक स्वेटर इन सब के साथ में, जो कि है ये। तो इसका जो कलर है ना वो ब्राउन कलर है। एंड इसमें मैंने जो साइज लिया हुआ है वो मैंने लिया हुआ है स्मॉल साइज, जो कि मुझे काफ़ी अच्छे से फिट हो गया क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल है। एंड ये आपको किसी भी जैकेट के नीचे पहनना हो ना तो आप इस तरीके के स्वेटर को ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छा लगता है। स्लीव्स इसके कुछ इस तरीके की फुल है। तो ये जो स्वेटर्स होते हैं ना काफ़ी फिटेड आते हैं, बॉडी से एकदम चिपक के आते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। इन्हें आप एज आ इनर वेयर भी पहन सकते हो। आगे इसका पूरा डीप वी नेक है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। लेंथ वाइज ये बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, आपको आराम से 17 से 18 इंच का मिलेगा। तो क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा लगा एंड वॉर्म भी बहुत अच्छा करता है। इसकी प्राइस जो है आई थिंक 700 है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग ना ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड इसमें आपको सिंगल कलर ही मिलेगा, इसमें कोई और कलर अवेलेबल नहीं है। सो गाइस, नेक्स्ट मैंने लिया हुआ है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, वो है ये कुर्ती रेड कलर की। ये पूरा सूट का सेट है, इसमें कुर्ती है, पैंट है, दुपट्टा है। एंड आगे यहाँ पर आपको राउंड नेक मिलेगा एंड यहाँ पर ये पूरी जरी की एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। ये पूरा जो है ना बांधनी प्रिंट में है। इससे पहले मैंने सेम ऐसे ही कपड़े में एक सूट दिखाया था, लेकिन वो जो था ना वो अनारकली था। एंड ये जो है कुर्ती है एंड इसमें यहाँ पर आपको 3/4 स्लीव्स मिल जाएगी। स्लीव्स पे यहाँ पर इस तरीके का एक पट्टी लगी हुई है जिसमें कुछ गोटा पट्टी की डिटेलिंग्स दी गई है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी लॉन्ग कुर्ती है ये। कुर्ती के नीचे भी यहाँ पर आपको गोटा पट्टी लगी मिल जाएगी। एंड इसका जो मटेरियल है ना वो प्योर कॉटन में है। साइज जो मैंने लिया हुआ है इसमें मैंने मीडियम साइज लिया हुआ है एंड मुझे काफ़ी अच्छे से फिट हुआ है। एंड इसके साथ में है ये पैंट। पैंट का जो मटेरियल है ये भी प्योर कॉटन में है। एंड यहाँ पर आगे इस तरीके से आपको बेल्ट मिल जाएगी, पीछे यहाँ पर इलास्टिक दी गई है एंड इसमें पॉकेट वगैरह नहीं है। नीचे यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसमें फ्लेयर नहीं है, सिर्फ इतना सा फ्लेयर है। नीचे भी यहाँ पर स्लीव्स की जितनी गोटा पट्टी की डिटेलिंग दी गई है। तो ये उसकी क्वालिटी और मतलब डिज़ाइन की वजह से मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड इतना प्योर कॉटन है तो आप इसे नॉर्मल किसी भी फंक्शन वगैरह में भी ना आप ट्राई कर सकते हो। शादी में कितने सारे फंक्शन पड़ते हैं तो आप उसमें भी किसी भी फंक्शन में ट्राई कर सकते हो। इवन आप इसे समर्स में भी पहन सकते हो क्योंकि इसका मटेरियल बहुत ही हल्का प्योर कॉटन है। इसके साथ में जो उसका दुपट्टा है ना वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दुपट्टा प्योर शिफॉन का है एंड दुपट्टे में इधर से पूरे में गोटा पट्टी की इस तरीके की पट्टियां लगाई गई है। शिफॉन का दुपट्टा काफी अच्छा लगता है कॉटन के दुपट्टे के कंपेयर में। तो यहाँ पर ये पूरा 2 मीटर का दुपट्टा है। दुपट्टे की लेंथ वगैरह अच्छी है एंड ये पूरा रेड कलर का दुपट्टा है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। तो अगर आप इसे ट्राई करना चाहो तो आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हो। मैं आपको इसे रेकमेंड कर सकती हूँ क्योंकि मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। सो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कॉमेंट कर दीजिएगा एंड मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है स्टाइल गेवी ज्योति, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए, तो मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।